नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार की इस वीडियो में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले एक नजर आज के मुख्य और बड़ी समाचार की ओर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उम्मीद है 5000 लाइक जरूर पूरा कर देंगे। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए राजद और तेजस्वी यादव की ओर से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। तेजस्वी यादव ने राजद दफ्तर को बंद करने का अगले आदेश तक का एक बड़ा संदेश दिया है। इसी के साथ खिचड़ी पर होने वाले, यानी आपको बता दें कि मकर संक्रांति के होने वाले भोज पर भी रोक लगा दी गई है। देश में बढ़ रही कोरोना महामारी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा निर्णय लिया है और उन्होंने यह साफ तौर पे बड़ा ऐलान किया है। वहीं बात करें तो आज तेजस्वी यादव के कई नेताओं ने यह भी कहा कि बिहार में सत्ताधारी सरकार नीतीश कुमार पलटेंगे और तेजस्वी की सरकार बनेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने तो वीडियो को लाइक कर आप अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, नीतीश कुमार आज भाजपा जो है नीतीश कुमार को बड़ा जवाब दी। नीतीश कुमार जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा से लगातार सवाल और जवाब कर रहे हैं, जहां एक तरफ विपक्ष नीतीश कुमार पर हमले कर रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है कि सरकार चुप क्यों है, वो मौन क्यों है, वो बताती क्यों नहीं कि जातीय जनगणना का मुद्दा क्या हुआ। बिहार के लोग आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जातीय जनगणना को लेकर के आज लोगों को इंतजार है। तो अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को घेरती हुई। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, कहा कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में कुछ अलाधिकारी और पदाधिकारी मिलकर भाजपा का यह संगठन का बैनर पोस्टर लगाए और इसके साथ ही वह परचम लहराए, यह विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव में इस तरीके की हरकत करने वाले पदाधिकारियों और अधिकारियों पर सख्ती के साथ आयोग कार्रवाई करेगा। आयोग से हमारी अपील रहेगी, कई नाम लिस्ट जो है वो दे सकता है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के अंदर जी हाँ सीट बंटवारा कर रही थी आम। जी हाँ, आपको बता दें आम का आज सीट बंटवारा था पंजाब में, लेकिन इस दौरान लगातार कार्यकर्ताओं में गुटबाजियां हो गई और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरी बड़ी पार्टी है पंजाब की और इस बार उनके सरकार बनने के दावों को पेश किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता मुश्किल दिख रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विदेश यात्रा करके आने वाले यात्रियों का अब रहना होगा 8 दिनों तक क्वारंटाइन। दरअसल बड़ा फैसला लिया गया है, अब विदेश यात्रा करके आने वाले लोगों को 7 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद में आरटीपीसीआर जांच कराए जाने के बाद में ही कोई फैसला बड़ा लिया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विदेशी यात्रियों पर अब रोक लगाने की बारिश शुरू हो गई है। भारत में आने वाले नागरिकों पर इस तरीके के बड़े यहाँ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में माने जाने वाले चूक को लेकर के भाजपा ने जी हां कांग्रेस वगैरह कहा कि कांग्रेस सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के जी हां तमाम नेताओं को टारगेट करते हैं। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री को भी टारगेट किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री की किस्मत ठीक रही कि वह पंजाब से सही सलामत लौट कर चले आए, लेकिन यह सब कुछ देश में ठीक नहीं हो रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट अब जी हां सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को साझा कमेटी कर मामले की जांच करने का आदेश दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी के पत्नी और बेटे समेत कई लोग कोरोना की चपेट में आए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी, कहा मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूं, आज मैं स्वस्थ हूं। तो आपको बता दें चरणजीत सिंह चन्नी के लिए थोड़ी सी चुनाव में जिस तरीके से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता था अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते तो, लेकिन फिलहाल वो स्वस्थ है, ठीक है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने लोगों को यह साफ तौर पर कहा कि अभी मैं स्वस्थ और सही सलामत हूं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, ममता बनर्जी का गोवा में चला दौर। गोवा में ममता की सरकार को लेकर के तमाम अलाधिकारी पदाधिकारियों ने भी यहाँ पूरी तरीके से अब हेराफेरी हुई है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार बनने के दावों को ममता के कार्यकर्ताओं ने गोवा में पेश करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी भी गोवा में चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी अपनी दावेदारी को पेश कर रही है, लेकिन ममता के आगे सबकी दावे थोड़ी फीकी पड़ रही है। ममता ने गोवा में सरकार बनाने के पूरे ताकत के साथ इजहार करना शुरू कर दिया है, तो यह बेहद बड़ी खबर है।
बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, श्रीलंका एक बार फिर से कर्ज के बोझ में दब सकता है। श्रीलंका में तेल की कमी से एक बार फिर से भारत से वो यहाँ बड़ा कर्ज ले सकता है। 50,000 आपको बता दें 50 करोड़ डॉलर का कर्ज श्रीलंका ले सकता है। पहले ही श्रीलंका का खजाना खाली हो चुका है, चीन ने यह खजाना पूरी तरीके से खाली कर दिया। अब हिंदुस्तान भी लोन दे सकता है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, दिल्ली में आपको बता दें उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रशासनिक का फेरबदल आज हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में फेरबदल प्रशासनिक हुई, जिसमें 15 जहां पुलिस अधीक्षकों को आज इधर उधर किया गया। इसके साथ ही जहां 9 जी आपको बता दें इंस्पेक्टर का प्रमोशन किया गया है। तो चुनाव से पहले इस तरीके की हमेशा से जहां सुरक्षा में हेरफेर किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के कहीं भी सीटिंग और गुटबाजी ना हो सके, जिसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है एक बार फिर से कगाजिस्तान में से। आपको बता दें कि कगाजिस्तान में जिस तरीके से लगातार बढ़ती महंगाइयों को लेकर के सरकार का विरोध लोग कर रहे हैं सड़कों पर, अब इसको लेकर के सरकार भी सख्त हो गई है। खुद रूस से सेना मंगानी पड़ी और कगाजिस्तान में जिस तरीके से हालत बद से बदतर हुए, इसको देखते हुए अब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। यहाँ कगाजिस्तान में अभी तक 36 लोगों की मौत हो चली है और इसके साथ ही हालत काफी नाजुक बना हुआ है। राष्ट्रपति के घरों को जला दिया गया, कई लोगों को मारा गया, पीटा गया, लगातार मामला। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के जीएम मजबूती में साथ खड़े रहे डिप्टी सीएम। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का आज सबसे बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव की बात चल रही है, इस चुनाव में योगी के और हमारे रिश्ते की बात मजबूती के साथ है, हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इस तरीके के उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ यह रिश्ता है, कोई भी हवा का झोंका इसे तोड़ नहीं सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की। IRCTC इंडियन रेलवे ने एक बार फिर से लोगों को बड़ा उपहार दिया है। इंडियन रेलवे के जारी स्टेटमेंट और बयान में कहा गया कि अब लोगों को एक बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। इस उपहार के तहत तो लोग जो है अब अपनी टिकट जो है वो खुद पोस्ट ऑफिस से करा सकेंगे। तो पोस्ट ऑफिस के तमाम लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली, पोस्ट ऑफिस से ही टिकट कराने के अब नए आदेश शुरू हो गए हैं। पोस्ट ऑफिस से अब लोग टिकट करा सकेंगे, तो बेहद बड़ी गुड न्यूज़ है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए अब लगातार सरकार एक तरफ तमाम दावों को कर रही है, तो दूसरी ओर कोरोना की बढ़ती महामारी सरकार की चिंताएं बढ़ा रही है। आज जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड में बच्चों के 12वीं तक स्कूलों को बंद करने का दिशा निर्देश दिया गया। इसके साथ ही आपको बता देता है कि उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बसों में चढ़ने से पहले कई प्रकार के नए नियम को लागू कर दिया है। उत्तराखंड में 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजों को सरकार ने बंद कर दिया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, दिल्ली में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। मौसम में ठिठुरन के साथ आज एक बार फिर से ठंडी का एहसास लोगों को ज्यादा करना पड़ा। दिल्ली में हो रही बारिश लोगों का एक बार आम जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के समय बारिश लोगों के लिए काफी ज्यादा एक बहुत ही बड़ा अनुभव दे रही है। दिल्ली में लॉकडाउन के साथ जबरदस्त तरीकों से बारिश हुई, यह बारिश लोगों के लिए काफी ज्यादा आनंद भरा रहा। मौसम में नमी और साथ ही साथ ठंड के टेम्परेचर आपको कम होने का ज्यादातर मामला दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से सामने आया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा बयान, दूसरे डोज पर सरकार ध्यान दे, बूस्टर डोज का नहीं है फिलहाल कोई काम। बूस्टर डोज से नहीं रोका जा सकता कोरोना के नई महामारी को, तीसरी वेव आई तो स्वास्थ्य विभाग लचर हो जाएगा। चरमराई स्वास्थ्य विभागों को अब पूरी तरीके से व्यवस्थित करने में काफी लंबा समय लग सकता है, जिसको देखते हुए बड़ा फैसला लेना पड़ेगा सरकारों को। कोरोना के तीसरी वेव में लाखों लोगों की मौत एक साथ हो सकती है, सरकार इसको देखते हुए तुरंत फैसला ले। दिल्ली में घरों से बाहर निकलने पर सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई। वहीं दिल्ली के साथ साथ विभिन्न राज्यों में कोरोना के प्रोटोकॉलों का पालन ना करने वाले लोगों पर लाठियां बरसाई गई। बिहार की बात कर ले, वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर अन्य राज्यों की बात करें, तो कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का ध्यान नहीं रखने वालों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील किया। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान भी किया गया। चालान करते हुए सरकार ने सतर्कता बरतने के लेकर के बड़ा बयान दिया है, ये बेहद बड़ी खबर निकल कर आई।
बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है एक बार फिर से। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजा एक साथ आए तो अब भाजपा के मुश्किलें बढ़ना तेज जाता है। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव का आना अपने आप में एक बड़ा विषय बन गया है। अब अखिलेश यादव के समर्थन में शिवपाल यादव तमाम बयान दे रहे हैं और सीट बंटवारे की बात शिवपाल यादव ने पहले ही साफ कर दिया है। जब भी चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा उसी समय सीट का बंटवारा होगा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस वक्त की। दरअसल आपको बता दें कि ताइवान ने आज भारत को शुक्रिया कहा। दरअसल आपको बता दें कि जीवन रक्षक के तहत आज भारत ने, जी हाँ, आपको बता दें कि 2 टन दवाओं का एक खेप ताइवान भेजा। ताइवान ने भारत को शुक्रिया कहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जीवन रक्षक दवाएँ जो हैं वो भारत विभिन्न देशों को देता है, जिसमें ताइवान का नाम भी शामिल था और ताइवान को भी भारत ने जीवन रक्षक दवा देने का किया। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है। दोस्तों हमारी बहुत ही उम्मीद है आपके साथ है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और रोजाना ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार की ओर। दरअसल आपको बता देते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताजा सर्वे के अनुसार अखिलेश यादव की जबरदस्त जीत का मामला सामने आ सकता है। अखिलेश यादव ने तमाम बातों में यह साफ तौर पर वो कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार उनकी सरकार बनना तय है, लेकिन अब नया सर्वे और नया सर्वे के साथ ही यह तमाम बातों का लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। शिवपाल यादव के साथ आने से और क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन के होने से, जी हां, अखिलेश यादव को लेकर बयान सामने आया। अखिलेश यादव पूरी तरीके से इस मामले में आगे जाते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव का वर्चस्व साफ तौर पर देखा जा रहा है और अखिलेश यादव इस बार अपने संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के दावे को पेश कर सकते हैं। 2022 में नए सर्वे के अनुसार जीत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। दिल्ली में नए आज 20,000 मामले सामने आए। 1,40,000 नए मामले पूरे भारत में सामने आए। 1,40,000 पूरे भारत में मामला सामने आने के बाद में सरकार ने चिंताएं जताई है। इसके साथ ही कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों के साथ लॉकडाउन लगाने का बड़ा दिशा निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन अगर नहीं लगाया गया तो लोगों को सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना की तीसरी वेव सबसे बड़ी संकट और भयावह होगी। इस वेव को रोकने के लिए अभी फिलहाल बड़ा काम करना होगा और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान लॉकडाउन लगाने जैसे बड़े निर्णय को लिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब लगातार अपने वादे और दावों को पूरा करने में आगे चल रही है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता का क्या है मूड, आइए आपको इस सर्वे के अनुसार बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कई सर्वे के अनुसार पिछले सीटों के अनुसार इस बार वो काफी ज्यादा क्षतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब इस क्षतियों का सामना जो है वो योगी आदित्यनाथ को नहीं करना पड़ सकता, ऐसी खबरें निकल कर आई। योगी आदित्यनाथ ने कई चीजों का शिलान्यास किया है और हर एक शिलान्यास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने से 4 चांद लग जा रहे हैं, जिस पर योगी सरकार के आज डिप्टी सीएम का बड़ा बयान आया। कोई हवा का झोंका नहीं कर सकता अलग। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल इंडियन रेलवे ने एक बार फिर से लोगों को उपहार दिया और कहा कि अब घरों से बाहर निकल के आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस तक जा करके कहीं भी जाने आने का यात्रा को लेकर के आप टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशनों पर जाना अनिवार्य है, बिल्कुल भी नहीं, रेलवे स्टेशनों के अलावा आप पोस्ट ऑफिस पर से आप टिकट जो है वो ले सकते हैं। इंडियन रेलवे के इस बड़े ऐलान के बाद में लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इससे और अब लोग इसके फैसले का सम्मान कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।